वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक्स में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि टीजीटी हिंदी इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से हम 15 क्वेश्चन यानी पैसेज को छोड़ करके बाकी 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये इंग्लिश जो कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में, इसकी वीडियो नंबर 3 या 4 है। तो हमने ये प्रीवियस ईयर का मैंने आपको बता दिया है क्यों ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करना, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन DSSB में तो 100% आएंगे ही आएंगे, बाकी के एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन व्हेन आई एम गोइंग टू द बैंक। इसमें से जो आपको अंडरलाइन किया गया पार्ट है उसमें आपको एरर निकालना है। देखिए यस्टरडे, जहाँ भी पहले ये देख लीजिए, जहाँ भी यस्टरडे, प्रीवियस डे, कुछ ऐसे वर्ड एगो, लास्ट डे, ऐसे वर्ड का प्रयोग होगा कहीं भी, वहाँ पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वहाँ पे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जो आपका जो पहला जो सेंटेंस है आई मेट, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मीट की meet मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, ठीक है। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है। ऑफ माइन व्हेन आई एम गोइंग टू द बैंक, व्हेन आई वाज गोइंग टू द बैंक, व्हेन आई वाज गोइंग टू द बैंक इज द राइट आंसर। यानी मैं क्या कहने का क्या कह रहा है, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, कल मैं यानी पिछला जो दिन जा चुका है उस दिन मैं अपने एक फ्रेंड से मिला, ठीक है। व्हेन आई वाज गोइंग टू द बैंक, जब मैं बैंक जा रहा था, ये नहीं होगा जब मैं बैंक जा रहा था तो मैं अपने एक फ्रेंड से मिला। आज हम करते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए, आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। द क्रॉप इन मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वर अफेक्टेड बाई ए लॉन्ग स्पेल ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स, द फार्मर्स हैड नो वाटर टू इरीगेट द फील्ड। यानी जो है कि वहाँ पे कोई भी यानी उन फार्मरों के पास, किसानों के पास कोई भी पानी नहीं था, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। एंड द क्रॉप इन मैनी डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में जो कि फसल थी महाराष्ट्र में, वर अफेक्टेड बाई ए स्पेल ऑफ, ए लॉन्ग स्पेल ऑफ, ठीक है। एक तो याद रखना कि लॉन्ग स्पेल ऑफ ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे यूज होने वाला है, कहीं भी कुछ भी आएगा, लॉन्ग स्पेल ऑफ ड्राउट, ठीक है। आंसर यहाँ पे ड्राउट होगा क्योंकि पानी है, पानी से रिलेटेड क्या होता है, ड्राउट, सूखा, DROUGHT। तो ये लॉन्ग स्पेल ऑफ ये याद रखना, कई बार आपको ये ले देगा लॉन्ग स्पेल करके दे देगा और ड्राउट दे देगा, बीच में ही दिखा देगा ऑफ आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, प्रीपोजिशन। तो लॉन्ग स्पेल ऑफ ये भी आपको याद रखना है, लॉन्ग स्पेल ऑफ भी। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसको आपको, जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसको आप ABCD में अरेंज करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन हाउ मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट promotions are given on seniority basis and there is no incentive for a hard working person। यानी जो कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, इसका कहने का मतलब यह है जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो प्रमोशन मिलता है वो सीनियरिटी बेसिस पे मिलता है और हार्ड वर्किंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ये है तो ऑप्शन डी जो ऑप्शन 4 है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वेयर इज अनूप, ही फिल इन द ब्लैंक्स टू इंग्लैंड फॉर 2 वीक। देखिए Where is Anup? He fill in the blanks to England for 2 week. 4+ time के बारे में बात किया कर रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, has gone। देखिए is going नहीं आएगा, went नहीं आएगा, will be going नहीं आएगा, तो where is Anup? He has gone to England for 2 weeks is the right answer. 4 since + time उसका concept यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं,
जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यू आर नॉट, इसमें आपको एरर निकालना है, यू आर नॉट अलाउड इन द इन दिस क्लब अनलेस यू आर नॉट ए मेंबर। देखिए यू आर के नीचे है, यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड इन दिस क्लब, ठीक है, यानी कि आप किसी के द्वारा अलाउ नहीं किए जा रहे, या कोई अथॉरिटी है या कुछ भी है उसके द्वारा आप, यानी आप उसके द्वारा आप अथोराइज्ड नहीं हो, अलाउ नहीं किए जा रहे हो, तो यानी ये किसी के द्वारा हो रखा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के या गवर्नमेंट या किसी रूल के द्वारा, तो इट मीन्स हम पैसिव वाइज है, तो यू आर नॉट अलाउड बिल्कुल ठीक है इन दिस क्लब अनलेस, कंडीशन आ गई तो अनलेस आएगा, अनलेस यू आर नॉट ए मेंबर। देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ अनलेस अनटिल, जितने भी नेगेटिव वर्ड होते हैं, जितने भी नेगेटिव वर्ड होंगे उनके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। तो जिसमें नोट आया गया है, नोट है, वो नोट है, वो रॉन्ग है, नोट नेगेटिविटी है, खुद ही नेगेटिव होते हैं अनटिल अनलेस, तो इनके साथ बेयरली, ऐसे ही बेयरली होता है, बेयरली, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं तो इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा। आ रहे हैं अनलेस यू आर ए मेंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी आपका जो लास्ट पार्ट है उसमें एरर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर ठीक सिक्स है, द चाइल्ड रेन अवे एंड हिड फ्लिन द ब्लैंक्स द ट्रे, यानी जो बच्चा था वो भाग गया और किसके पीछे छिप गया, बिहाइंड, बिहाइंड आएगा भाई, अलोंग नहीं छिपेगा, बिहाइंड पीछे तो छिपेगा पेट के, तो बिहाइंड इज द राइट आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है, सेवन है कि सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, कौन साइज होता है किसी भी रूप का, किसी भी चीज़ का छोटा रूप, कौन साइज, सी ओ एन सी आई एस ई, और इसको छोटा रूप को क्या कहते हैं, ब्रीफ, अपना इंट्रोडक्शन दो ब्रीफ में, इंट्रोडक्शंस, ठीक है, एक्सटेंडेड होता है उसका बड़ा रूप, और जो आपका जो कि लास्ट ऑप्शन है एक ये, इसका मतलब होता है सार कास्टिक का मतलब होता है आयरनिक, आयरनिक का मतलब होता है कोई निंदनीय, ठीक है, सरकास्टिक का मतलब होता है आयरनिक। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर एट है, उसके बारे में बात करते हैं, एट है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नाउ ए डेज द यंगर जनरेशन इज सो ओवर पावर्ड by mobile phone that their social fill in the blanks have become almost negligible, यानी जो कि आप आज की जो younger generation है वो इतनी overpowered हो चुकी है, mobile पे इतनी dependent हो चुकी है कि their social fill in the blanks almost negligible, जो उनकी social क्या हैं, social interaction, जो कि लोगों से मिलने जुलने की जो उनकी social interaction है वो already negligible हो चुकी है, इंट्रैक्शन सोशल अफेयर नहीं आएगा कि नेग्लिजिबल हो गए, सोशल अफेयर इंट्रैक्शन होती है, हम एक दूसरे जो इंट्रैक्ट करते हैं, बातें करते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वो केवल अपने व्हाट्सअप फेसबुक इन्हीं पे लगे रहते हैं, तो जो सोशल इंट्रैक्शन होती है जो कि अपने समाज में अपने आस पड़ोस में, केवल वो बिल्कुल बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है, अफेयर नहीं आएगा, इंट्रैक्शन होगा, इमोशंस नहीं हो सकता, रिक्वेस्ट्स नहीं हो सकता, ऑप्शन से ही आपको पता लग जाता है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। नाइन्थ क्वेश्चन में लास्ट में आपको दूंगा, वो खुद आपको करना है, तो हम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राफ्टी, सी आर ए एफ टी वाई, क्राफ्टी में आपको क्या करना है, क्राफ्टी का आपको, इसका आपको एंटोनियम्स बताना है, ठीक है, क्राफ्टी का मतलब होता है क्लेवर, क्लेवर, और क्लेवर का मीनिंग होता है क्यूनिंग, यानी क्राफ्टी का आपको सिनोनियम्स पूछा जाए इसमें, तो क्राफ्टी का होगा क्यूनिंग, क्यूनिंग मतलब क्लेवर, ठीक है, और यदि आपको एंटोनियम्स पूछा जाए तो नेव, नेव इज द एंटोनियम्स ऑफ दिस वन, नेव का मतलब ये भी होता है एक नया, कि नेव का मीनिंग होता है नया, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस ना हो। ग्यारहवां क्वेश्चन जो चलते हैं हम, मिजरी, मिजरी जो होता है, मिजरी होता है कि किसी की भी जो चीज़ है, यानी सोरोफुल, आपने इसमें सिनोनिम बताना, सोरोफुल होता है मिजरी का मीनिंग, ठीक है, यानी जो सोरोफुल हो वो मिजरी होता है, जिसकी कंडीशन काफ़ी दयनीय हो, तो सोरो इज द राइट आंसर, मिजरी का मतलब होता है दयनीय, यानी सोरो। एंगर आपको पता है, नर्वसनेस आपको पता है, कंफ्यूजन आपको पता है, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर आर, सॉरी, टॉक्स आर टू बी हेल्ड फिल इन द ब्लैंक्स द रेस कोर्स रोड बंगलो,
ठीक है, बंगलो कहते हैं इसको, बंगलो, ठीक है, वैसे हम बंगला कहते हैं, बंगलो, ठीक है। देखिए टॉक्स आर टू बी हेल्ड, देखिए ये रेस कोर्स क्या है, ये सेवन रेस कोर्स है जहाँ की प्राइम मिनिस्टर का निवास स्थान है। अब ये रेस कोर्स को नाम दे दिया है लोक कल्याण मार्ग, ठीक है। तो टॉक आर टू बी हेल्ड एट पर्टिकुलर जगह होगी, मैंने आपको बताया है एट का प्रयोग होगा, ठीक है, एट कोई भी जगह है, एट दिस इन दिल्ली, एट दिल्ली नहीं आएगा, फिर इन दिल्ली आएगा, दिल्ली में। तो यहाँ पे किसी जगह का पर्टिकुलर का नाम मेंशन कर दिया, किसी स्पेसिफिक जगह का, तो एट आ जाएगा। तो एट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, जो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके बारे में बात करते हैं। इट हैपन्ड ए लॉन्ग टाइम एगो, फिल इन द ब्लैंक्स, आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट हॉरिबल नाइट। यानी ये चीज़ है, ये लॉन्ग टाइम एगो यानी बहुत समय पहले हुई थी, बट किंतु आई कैन स्टिल, मैं अब तक वो हॉरिबल नाइट, ठीक है, वो काफ़ी यानी हॉरिबल क्या होता है, हॉरो, आप हॉरर मूवी देखने जाते हो तो वो उसी से मिलता है, हॉरर से मिलता है हॉरिबल, ठीक है, तो हो काफ़ी भयभीत करने वाली, ड्राउनिंग, ठीक है। आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट हॉरिबल नाइट, इट हैपन्ड ए लॉन्ग टाइम एगो, यानी ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले हुई थी, लेकिन या किंतु या परंतु मुझे आज भी वो चीज़ याद है, बट आएगा, ठीक, किंतु शायद बट, सो नहीं आ सकता, एंड जब दोनों चीज़ों के एक ही चीज़ चलेंगी तब आएगा, और नहीं हो सकता। मूव टू द क्वेश्चन नंबर, जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो है इवैक्यूएट। आपको इवैक्यूएट का एंटोनियम्स बताना है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो इवैक्यूएट है, इवैक्यूएट का क्या क्या सिनोनियम्स होता है। देखिए इवैक्यूएट मीनिंग होता है रिमूव करना, इवैक्यूएट का मीनिंग होता है रिमूव करना, किसी चीज़ को रिमूव करोगे तो आप क्या करोगे, इवैक्यूएट करोगे, ठीक है। वैकेट का मतलब होता है, वैकेट का मतलब होता है लीव, किसी चीज़ को अपनी पोस्ट को छोड़ना, वैकेट, ठीक है। और इनवेड का मीनिंग होता है, इनवेड का जो मीनिंग होता है वो होता है ऑक्यूपाई, यानी किसी चीज़ को आप ऑक्यूपाई करोगे, वो इनवेड होता है। तो देखिए जो कि यहाँ पे जो कि इसका एंटोनियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिमूव करना और फिल करना। इवैक्यूएट होता है रिमूव, फिल होता है फिल करना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, माई फुट वॉज इन बैड शेप, आई मैनेज टू प्ले द मैच। यानी जो मेरा फुट था, मेरा जो पैर था, वो एक बैड शेप भी था, वो कोई से इंजरी के मारे या किसी भी रीजन के रिगार्डिंग बैड शेप में था, पर उसके बाद भी आई मैनेज टू प्ले द मैच, ठीक है। ऑल दो, देखिए कई चीज़ हैं यहाँ पे, ऑल दो, पहले सेंटेंस में ऑल दो का प्रयोग होगा तो जो सेकंड सेंटेंस या जो बीच में ये कंजक्शन की तरह जो काम करता है वहाँ पे कोमा आएगा, ऑल दो के साथ हमेशा कोमा आता है। देखिए इसी से आपको निकल के आया है, देखिए यहाँ पे इन केस नहीं हो सकता, इन केस माय फुट, इन केस क्या, कुछ नहीं, एज लॉन्ग एज नहीं हो सकता, बिकॉज नहीं हो सकता, देखो बिकॉज हो सकता था लेकिन बिकॉज माई फुट वॉज इन ए बैड शेप सो आई कुडंट प्ले, ठीक है, इनको ऐसा सेंस मिलता कि भाई इसका इफेक्ट गया बिकॉज, क्योंकि इसलिए हम मैच हार गई, वो बिकॉज का इफेक्ट हुआ। लेकिन ऑल्दो का प्रयोग तब होता है कि भाई मेरा पैर या मैं उस कंडीशन में नहीं था लेकिन फिर भी मैंने वो काम किया, तो ऑल्दो और ऑल्दो के साथ हमेशा कोमा का प्रयोग होगा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, कंजक्शन है ये, पहले ऑल्दो आ गया पहले सेंटेंस में तो दूसरे में जोड़ने के लिए कोमे का प्रयोग होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था, और जो एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। ये जो इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आप तक जब तक खुद प्रैक्टिस, आपको आंसर तो मिल गया है लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इस चीज़ का, इसका स्पेशली कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज आपने हमें सुना उसके लिए आपका धन्यवाद भाई। एक वीडियो को ना आप शेयर नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप आज आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।